यहाँ पर जो पहले जो क्राउड दिखता था रेगुलर तरीके से, गाजियाबाद में काफी फेमस मंदिर है, थोड़ा अभी कम है। मगर ये नवमी का टाइम चल रहा है और पहला दिन है, और देखिए 9 दिन के अंदर काफी लोग यहाँ पर आएंगे। मगर सुरक्षा के आप देख सकते हैं पूरा इंतजाम है यहाँ पर, सैनिटाइजर से लेकर यहाँ पर आपका सब स्कैनिंग वगैरह सब की जा रही है। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको मंदिर के अंदर बाहर साइड से परिसर से अंदर ले चलेंगे, और अगर इनकी परमिशन होगी तो थोड़ा अंदर से भी दिखा देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सर हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। और मोहन नगर मंदिर के बिल्कुल गेट पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तों की काफ़ी भीड़ आ रही है। और यहाँ इस मंदिर की मैं बता दूँ मान्यता कि ये इसमें काफ़ी कॉस्टली अष्ट धातुओं की मूर्तियाँ हैं अंदर, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्राउड आ रहा है। और इसकी जो बनावट है ये बहुत दूर राजस्थान वगैरह से पत्थर लाकर यहाँ की इसकी निर्माण किया गया है, और यहाँ के जो काफ़ी ज़्यादा अष्ट धातु के जो परिसर से में जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं उसकी काफ़ी मान्यता है। गाजियाबाद के लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आते हैं अपनी श्रद्धा के लिए। अभी हम इसके अंदर आपको लेके चलते हैं, साथ ही साथ आपको दिखाते हैं कि इस परिसर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं वो कितनी ज़्यादा भव्य तरीके से बनाई गई हैं। तो चलते हैं शेरावाली माता का नाम लेके, जय माता दी। देख सकते हैं हम ये मंदिर के अंदर परिसर के अंदर जा रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग पूजा करने आए हैं। दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है कि लगभग दुर्गा माता का मंदिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ फेमस मंदिर है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाना। मंदिर है वो दुर्गा माता का फेमस है, आपको लगभग दिख रहा होगा यहाँ पर सभी लोग यहाँ अपने पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आइए मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं। देख सकते हैं कि लोगों का तांता लगा हुआ है अपनी पूजा में, नवमी का पहला दिन है, यहाँ काफी श्रद्धालु आए हुए हैं। आपको मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, आइए आपको मैं इसके बारे में दिखाना चाहूंगा कि कितनी सुंदर मूर्ति है। और यहाँ पर लोग अपने मन की शांति के लिए आते हैं, और सभी इस दृश्य को देखने के लिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। पंडित जी अभी ने पूजा पाठ करने कपाट खोल चुके हैं मंदिर के, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि हमारे पुजारी जी हैं वो अपने माता से रवाना के पास जाकर कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, किसी के मन्नत का धागा बांध रहे हैं माता से रवाली की तस्वीर पर। यहाँ पर जो लोगों का परिसर होगा जो भीड़ लग सकती है वो देख सकते हैं, अपने आप में ही एक शांति प्रिय जो एक अनूठा संगम दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि शेरावाली माता के साथ साथ यहाँ पर जो काली माता है उनका भी यहाँ पर प्रतिमा लगी रही है, और साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूँगा पूरा एक अच्छा एक मनोरम दृश्य बना हुआ है। दूसरी माता है आई थिंक मेरे हिसाब से सरस्वती माता जी हैं, उनका भी वाहन के साथ विराजमान है। सभी मूर्तियाँ अष्ट धातु की बनी हुई हैं। जल्दी आपको हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से श्री माता मातंगी हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने आसन पर विराजमान है। काफ़ी सुंदर मूर्ति देखने में लगती है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हम आपको ऐसे दृश्य दिखा रहे हैं मंदिर के परिसर के अंदर जो आपको शायद ना मिलेगा ये देखने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं, नवमी का पहला दिन है और नवमी के पहले दिन पर हम आपको दिखा सकते हैं। ये आपका हम दूसरी माता जी हैं, यहाँ पर हम माता जी का पूरा व्यू दिखा रहे हैं, आपको काफ़ी सुंदर लगेगा देखने में, काफ़ी अच्छा व्यू है ये आपका, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर व्यू है। ये हमारी काल देवी माता, काली माता है, उनका ये जो रूप है इसे देखकर आई थिंक यहाँ बच्चे भी डर जाते हैं, काफ़ी भयानक रूप है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धारी माता बनी हुई है, यहाँ पर बच्चियाँ पूजा कर रही हैं और पूजा पाठ करके, यहाँ ये जो माता का बहुत खतरनाक रूप है। आप अंदर चले गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर दृश्य है, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लगेगा आपको जाकर, यहाँ पब्लिक भी काफ़ी पूजा कर रही है, तो काफ़ी सुंदर रूप जो दिखाया गया है माता का वो आपको दिखा देखने को मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सुंदर रूप है। आइए
दरबार है जिसमें अलग अलग तरीके से माताओं के सुंदर रूपों के बारे में दिखाया गया है। देख सकते हैं काफी और अच्छे नजारे हैं। गाजियाबाद का मोहन नगर मंदिर है, इसके अंदर भी ये व्यू है और जिसमें बहुत पब्लिक आज आई हुई है। लगभग 4 दिन पहले ही मंदिर परिसर खुला है COVID-19 की वजह से, यहाँ पर अभी तक बंद था ये परिसर, और जो अब खुलने के बाद ये अपने पूरे जोश हर्षोल्लास से काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के पर गौरी माता है, आप देख सकते हैं गणेश जी, इनकी गणेश जी का बाल रूप है और इसमें बाजू पे बैठी हुई है माता के गणेश जी, और यहाँ पर काफी लोग आपको दिखाते हैं। ये आप व्यू देख सकते हैं पूरा का पूरा व्यू। ये भी एक आई थिंक काली माता का मूर्ति है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक भयानक रूप देवका और दैत्य का सर्वनाश करते हुए दिखाई गई है माता। नाम तो बता दीजिए। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो खींचना मनाही भी है, तो यहाँ पर हमने काफी आपको ये दिखा दिया है। आइए हम आगे चलते हैं और आपको यहाँ का व्यू का और ऐसे ही और आगे मंदिरों के बारे में दिखाते रहेंगे। मोहन नगर मंदिर में जो ये भोलेनाथ की मूर्ति है, इसके भव्यता के बारे में आपको मैं बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। इसमें मैं ऊपर बता दूं कि भोलेनाथ के ऊपर जो है गंगा माता जी आ रही है नीचे की तरफ, उन्हें वो अपने जटाओं में लाने के लिए भोलेनाथ जी, ये मान्यता है कि भोलेनाथ जी ने अपनी जटाओं के द्वारा ही गंगा माता को नीचे धरती पर उतारा था। आप देख सकते हैं पार्वती माता है यहाँ पर, साथ में यहाँ पर शिवलिंग भोलेनाथ जी का यहाँ पर विराजमान है और काफ़ी यहाँ पर लोग इस भव्य मूर्ति की तरफ यहाँ पर आकर्षित होते हैं और लोगों की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। ये गणेश की भव्य मूर्ति है और यहाँ पर जो देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके साथ मूषक राज जी विराजमान है और ये किसी दैत्य का सर्वनाश कर रहे हैं गणेश महाराज जी। तो यहाँ पर काफ़ी अक्सर लोग आते हैं जब मोहन नगर मंदिर में, तो यहाँ पर आकर अक्सर अपनी फोटो वगैरह क्लिक करते हैं गाजियाबाद के परिसर के लोग। और यहाँ पर आप मैं दूसरी जगह दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कि देख सकते हैं हमारे साथ, चलिए कैमरामैन के साथ मैं कहना चाहूँगा आगे चलिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है यहाँ की परिक्रमा कर कर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कई कई जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं वो लगी हुई हैं साथ के साथ। और मेरी यहाँ की जो मान्यता है कि यहाँ अक्सर जो है जो न्यू जोड़े होते हैं, जिनकी नई शादियाँ होती हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इस जो ये मंदिर परिसर है इसके 4-7 परिक्रमा करते हैं, जिससे कि उनकी जो जोड़ी है वो आगे तक बनी रहे, उनकी यहाँ की मान्यता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है परिक्रमा करते हुए दिख भी जाएंगे। और साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये मंदिर है इसकी भव्यता के मैं आपकी बताना चाहूँ कि आप गूगल मैप से भी अगर सर्च करेंगे मोहन नगर मंदिर, तो आपको ये इसकी भव्यता के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता चल सकता है।